दोस्तों मैं हूं अनुज और डिजिटल अवतार चैनल के एक और न्यू स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप सिस्टम ऐप्स को टाइम टाइम पर अपडेट करना पसंद करते हैं तो आज के वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि कुछ लेटेस्ट सिस्टम ऐप्स अपडेट देखने को मिले हैं। अब वो कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जिसमें अपडेट देखने को मिले हैं, तो एक तो है हेल्थ एप्लीकेशन, इसमें अपडेट देखने को मिला है। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है सिस्टम ऐप अपडेटर। तीसरा जो एप्लीकेशन है नोट्स ऐप। चौथा जो एप्लीकेशन है गैलरी एप्लीकेशन। और जो लास्ट एप्लीकेशन है थीम ऐप में भी एक अपडेट देखने को मिला है। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अवतार चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जितनी भी एप्लीकेशन है चाइनीज रोम से एक्सट्रैक्टेड एप्लीकेशन है। और यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ एप्लीकेशन की। तो हेल्थ एप्लीकेशन में आपको वही सब फीचर मिल जाते हैं, हार्ट रेट है, बीपी मॉनिटरिंग का फंक्शन है, बेसिक इन्फो, इमरजेंसी इन्फो, ये सब ऐड कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरे देखे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज नज़र आएगा जैसे ही आप अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे कमाल का फीचर देखने को मिलता है वो है कि हार्ट रेट को आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए। तो यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट इस तरह से जल जाएगी, आपको इस पर उंगली रखना है और इसके बाद यहाँ पर ये मेजर करना चालू कर देगा कि आपकी हार्ट रेट रियल टाइम में कितनी है, और उसके बाद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन तो देखने को मिलते ही हैं, जैसे कि बीपी का रिकॉर्ड भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो चीज़ नया जो चेंज देखने को मिला है वो है कि यहाँ पर आपको ड्राइविंग, वॉकिंग, आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, इस तरह का फंक्शन भी इसके अंदर आ गया है। लेकिन ये चाइनीज में है इसलिए आप यहाँ पर इसे यूज करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो गैलरी एप्लीकेशन में भी एक अपडेट देखने को मिला है। तो ये जो अपडेट है इसमें आपको प्रीवियस वर्जन की तरह फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्लीनअप स्पेस का जो एनिमेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप एल्बम्स को अपना कस्टम ऑर्डर में करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने किसी भी क्रम में आप इन्हें एल्बम को रख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसमें क्या कुछ नया चेंज देखने को मिला है, तो इसमें आपको स्काई फिल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि स्काई फिल्टर आपको पिछले वर्जन में भी देखने को मिले थे। तो अगर आप अपडेट करते हैं इस एप्लीकेशन को तो आपको सनी, इवनिंग, नाइट और यहाँ पर डायनेमिक स्काई फिल्टर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक जो फीचर है कि आप इसमें स्टिकर, जो किसी भी फ़ोटो में आप स्टिकर को भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्टिकर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी तरह के स्टिकर मौजूद हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी भी फ़ोटो पर, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं नोट्स ऐप की, तो नोट्स ऐप में भी एक अपडेट देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पर भी कोई चेंज यहाँ पर ऐसा स्पेशल देखने को नहीं मिला है, पर आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज नज़र आएगा। जैसे कि आप थीम्स जो हैं उन्हें यहाँ पर अपने MIUI 11 रनिंग मोबाइल है तो उसमें भी आप इस तरह की थीम्स को लगा सकते हैं, और काफ़ी एनिमेशन के साथ में ये थीम देखने को मिलती हैं। काफ़ी कलरफुल सी थीम है, अगर आप किसी नोट को बना रहे हैं तो इस थीम को यूज कर सकते हैं। यूज टास्क टूल बॉक्स का भी एक फंक्शन मिलता है जिसे अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आप किसी भी स्क्रीन से अपने टास्क जो आप नोट करते हैं उन्हें नोट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मुझसे एक भाई ने पूछा है कि जो थीम में ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर वाला फीचर है उसके बारे में बताइए। तो ये जो MIUI 12 है उसमें ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। अगर आप MIUI 11 यूज कर रहे हैं तो उसमें ये थीम ऐप का जो वर्जन है वो काम करेगा। तो ये है मेरा Redmi Note 4 और ये MIUI 11 पर रन कर रहा है। इसमें देखिए ये जो थीम ऐप है ये चाइनीज़ थीम ऐप है, और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करना है। मैनेज ऐप्स में जाकर के सबसे पहले तो जो आपका थीम ऐप ऑलरेडी आपके फ़ोन में है उस पर जाना है आपको। इसकी ऐप इन्फो में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर तो हालांकि 1.8.7.0 है। सबसे पहले तो आपको जो भी आपका पड़ा हुआ थीम ऐप है उसका वर्जन जो है उसे अनइंस्टॉल अपडेट कर देना है। उसके बाद ही आपको डिस्क्रिप्शन से या टेलीग्राम से इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 1.8.7.0 जो कि चाइनीज थीम ऐप है इसे आप इंस्टॉल कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कांट कनेक्ट टू नेटवर्क इस तरह का देखने को मिलता है, पर आप माई अकाउंट में जाएंगे तो आपको
यहाँ स्क्रॉल करते ही थीम लैब का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब थीम लैब वाले ऑप्शन में आपको ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर का ये फीचर देखने को मिलता है। जैसे ही इसे ऑन कर देंगे आप, तो यहाँ पर जो आप वॉलपेपर सेट करना चाहें वो आपके बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा। अब आप किन ऐप्स के अंदर देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर ये आप सेट नहीं करेंगे तो आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ये ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपने सिलेक्टेड ऐप्स में इस तरह से ऑन कर दीजिए तो उन ऐप्स में आपको ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट आपका वॉलपेपर होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो आपको जो टेक्स्ट है उसे देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर एक फीचर जो काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है, वॉलपेपर स्लाइड शो। तो आप लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, उन पर एक वॉलपेपर का स्लाइड शो चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो फाइल मैनेजर है इसमें मैंने ऑन कर रखा था तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर दिखा रहा है। नोट्स में मैंने ऑन किया था तो ये नोट्स के अंदर भी ये ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर कार वाला देखने को मिल रहा है। और इसे जो है आप गैलरी में जा कर के किसी भी वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं एज ए ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर। तो यहाँ पर देखिए गैलरी में मैंने एक दूसरा वॉलपेपर सिलेक्ट किया है और इसे सेट कर देते हैं तो ये देखिए सेट हो गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। पर इस थीम ऐप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको थीम जो है कांट कनेक्ट नेटवर्क इस तरह से देखने को मिलता है। पर अगर आप सर्च पर जाते हैं तो थीम आपको दिख जाएंगी। आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पर देखिए मी यूआई करके मैंने टाइप किया तो आप सर्च भी कर सकते हैं। मतलब सर्च वाले ऑप्शन पर जाकर आप थीम देख सकते हैं। वैसे आपका को जो देखने को मिलेगा कांट कनेक्ट टू नेटवर्क। एक और स्पेशल जो फीचर देखने को मिलता है कि आप किसी भी थीम का जो लिंक है वो कॉपी कर सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर या फिर टेलीग्राम पर, कहीं पर भी आपको वो लिंक शेयर करना है कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ में ये है कि थीम आपकी पहले तो डाउनलोड नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पर थीम को डाउनलोड भी कर लिया तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अप्लाई हो सकता है एक बार हो भी जाए तो नेक्स्ट टाइम आपकी अप्लाई नहीं होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस थीम ऐप को केवल ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर के वजह से या किसी थीम का लिंक शेयर कर सकते हैं, इस वजह से आप इसे यूज मत कीजिए। और अगर आपको इस थीम को ऐप को अनइंस्टॉल करना हो तो इसकी ऐप इन्फो में जाइए और वहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।